नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। आखिरकार गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दे ही दिया। अब बीजेपी किसे चुनती है गुजरात का नया सीएम, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल है कि 2 साल पहले ही मुख्यमंत्री बनी आनंदीबेन पटेल को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, क्या वजह रही आनंदीबेन के इस्तीफे के पीछे, और क्या पाटीदार आंदोलन या दलित पिटाई का मामला या गुजरात मॉडल को उनके नेतृत्व में धक्का लगना या फिर उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, ये सारी वजह मिलकर आनंदीबेन पटेल के लिए ये एक रास्ता बना, उनकी कुर्सी छोड़ने का एक जरिया बना, या कहें या इस्तीफे के पीछे और भी कुछ बड़ी वजह है जो सामने नहीं आ पा रही। आज इसी पर बात करेंगे। इस वक्त की यही बिग स्टोरी, बिग डिबेट, आनंदी का इस्तीफा। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एक बहुत ही बड़ा पैनल है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए अमी याग्निक है, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन गोपाल कृष्ण अग्रवाल मेरे साथ है, महेश पटेल कन्वीनर पाटीदार अमानत आंदोलन समिति के मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और यशवंत वाघेला बीएसपी लीडर गुजरात से जुड़ रहे हैं मेरे साथ, असीम वकार एसपी लीडर लखनऊ से जुड़ रहे हैं मेरे साथ। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और गोपाल कृष्ण अग्रवाल, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल 75 साल की वो होने वाली हैं, ये तो आपको बहुत पहले से पता था। अगर हटाना ही था या इस्तीफा उनको देना ही था तो एकदम से क्यों? देखिए, 75 साल के होने वाले, उन्होंने पहले अपने ब्लॉग में भी लिखा है, वो फेसबुक में भी कहा, और उन्होंने कहा भी है कि मैंने कई दिन से वो कह रही थी कि पार्टी के नेतृत्व को कि 75 साल के ऊपर होने पे मेरे को रेजिग्नेशन देना है, मुझे पद से अपने मुक्त करिए। और आज अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि नवंबर में, उन्होंने बताया कि नवंबर में 75 साल के हो रहे हैं, यह तो स्टेटेड पॉलिसी है प्रधानमंत्री की। सभी जगह उन्होंने सबसे आग्रह भी किया, इससे पहले भी जो 75 साल के हुए हैं उन लोगों ने अपने पद से अपने इस्तीफा दिया है, तो इन्होंने दिया है। और अब इसको पार्लियामेंट्री, चलिए आप जो बात कह रहे हैं कि आनंदीबेन पटेल ने 75 साल की उम्र की वजह से इस्तीफा दिया, जरा हम दिखाते हैं हम आपको कि आनंदीबेन पटेल के पीछे क्या उम्र ही एक वजह है जिस वजह से आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया, क्यों देना पड़ा आनंदीबेन पटेल को इस्तीफा। पाटीदार आंदोलन को हैंडल करने में नाकाम रही, जानकारी कहते हैं, और उसने कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ हवा बनाई गुजरात में, जो कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा वोट बैंक है पाटीदार। दलित पिटाई के मामले में भी, ऊना का जो मामला आया उसमें भी बीजेपी की बहुत फजीहत हुई, वीडियो कई दिन से वायरल था सोशल मीडिया में, और जब मामला बहुत उठ गया तब जाकर वहां पहुंची सीएम उनके घर। पंचायत चुनाव में बीजेपी को खड़ारी हार झेलनी पड़ी, और कांग्रेस ने अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया है पिछले कुछ चुनावों में, और बीजेपी ने अपनी जमीन कुछ खोई है। गुजरात मॉडल जिसके ऊपर पीएम नरेंद्र मोदी गर्व करते हैं, और जिस गुजरात मॉडल को लेकर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में बीजेपी के लिए के पक्ष में हवा बनाई थी, उस गुजरात मॉडल पर सवाल उठने लग गए थे। उनकी बेटी जो है उनके ऊपर उनको फायदा पहुंचाने का आरोप आनंदीबेन पटेल पर लगा, ये कुछ आरोप उन पर लगे, और ये कुछ गंभीर आरोप थे जो कहीं ना कहीं बता रहे थे कि आनंदीबेन पटेल को की कुर्सी जाएगी, लेकिन इस तरीके से जाएगी कि फेसबुक पोस्ट पर ऐलान करना पड़ेगा, ये कोई समझ नहीं पा रहा था। और सवाल यही है कि फेसबुक पोस्ट पर इस्तीफा देना क्या बताता है। मेरे साथ जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। अमी याग्निक, आपके पास आऊंगा। जो बात यहां पर गोपाल कृष्ण अग्रवाल कह रहे हैं, मानती हैं इस बात को कि उम्र की वजह से इस्तीफा दिया आनंदीबेन पटेल ने? चलिए, अमी याग्निक से मेरा संपर्क अभी हो नहीं पा रहा है, उनसे संपर्क जैसे होगा उनके पास जाएंगे। लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल, 5 वजह, पाटीदार आंदोलन, दलित आंदोलन, दलित वाला जो मामला हुआ, उसके बाद दलितों ने जो अहमदाबाद में एक बड़ी रैली की, उसके बाद उनकी बेटी पर जो आरोप लगे, ये सब कारण नहीं बना? नहीं, देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि ये सारे कारण अगर हैं, तो आप ये बात बताइए कि इन सारे आंदोलनों को हम अलग अलग देख लें। पाटीदार आंदोलन को प्रॉपरली हैंडल किया गया उसको तो, और जो दलित वाला है उसमें 11 तारीख को उन्होंने वहाँ पे FIR लॉन्च कर दी, और 23 लोग वहाँ पे अरेस्ट भी हो चुके हैं, और यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसको सब लोग कह चुके हैं। और दलितों के साथ भारतीय जनता पार्टी है, उनके भलाई के लिए उसके राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। तीसरी बात, जो आरोपों की बात कर रहे हो, इतनी बड़ी रैली हुई आज, नहीं, अगर आप आरोपों पर कहते हो तो उत्तर प्रदेश में क्या कितने आरोप लग रहे हैं, कितने कितने जगह, केवल आरोपों के बल पे ये छोड़ रहे हैं, आरोपों के बल पे कोई ऐसी बात नहीं है। जब तक, चलिए ठीक है, अमी याग्निक मेरे साथ है, अमी याग्निक इस बात को मानती है जो बीजेपी लीडर गोपाल कृष्ण कह रहे हैं कि केवल उम्रों ने खुद बताया आनंदीबेन पटेल ने कि उनकी उम्र हो रही थी 75 साल, इसलिए इस्तीफा दिया, मानती है इस बात को, या है इसके पीछे कुछ वजह जिसकी वजह से आनंदीबेन पटेल को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी? नहीं नहीं, मैं ये तो एक बहाना बना दिया है। 75 साल तो अगर उनको होने थे तो 73 या 74 पे वो ना बोलते कि मुझे नहीं बनना है, क्योंकि वैसे भी अगर 2 साल में मुझे रेजिग्नेशन देना है
तो वो नहीं बनते। ये तो अलग बात है क्योंकि यहाँ का गवर्नेंस मॉडल कंप्लीट फेल हुआ है। एजुकेशन आप देखो, आप दलित मूवमेंट देखो, यहाँ पे अत्याचार देखो, आप पाटीदार का आंदोलन देखो जिस तरह हुआ है। आपने पाटीदार आंदोलन में क्या हुआ है आपने देखा होगा कि इतनी घर में जाके मार पिटाई हुई है। दलित का आपने देखा बिल्कुल जैसे पीट रहे हैं, तो ऐसे जैसे आतंकवादी आ गए ऐसे पिटाई हो रही है, कोई लॉ एंड ऑर्डर है नहीं। तो ये कंप्लीट फेलियर हुआ है। तो ये उन्होंने फेसबुक पे ऑफर किया या तो ऊपर से आया कि भाई आप ऐसे ऑफर कर दो रेजिग्नेशन। दिस इज नॉट द ऑफिशियल वे ऑफ प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल डिजाइंड है और ये आप उनको गुजरात में करप्शन के भी काफी इल्जाम है उन पे। तो यही एक रास्ता बचा है कि भाई वो रिजाइन कर दे। नहीं, अगर ये बात होती तो फेसबुक पे रिजाइन थोड़ी क्या, फेसबुक पे तो पोस्ट किया, रेजिग्नेशन लेटर तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को दिया है। आज से पहले आपके कितने लीडर्स ने रेजिग्नेशन के समय फेसबुक पे पोस्ट किया, जरा बताइए। ये तो अब फेसबुक पे उन्होंने पोस्ट किया या एक्टिविटी अलग है, रेजिग्नेशन लेटर भी फेसबुक पे दिया। नहीं सुनिए एक मिनट, चीफ मिनिस्टर नहीं, उन्होंने फेसबुक पे रेजिग्नेशन लेटर नहीं दिया है, फेसबुक पे तो अपना रीजन दिया है न्यूज में। अरे क्या ऐसी बातें आप करते हो। हाँ, फेसबुक पे केवल रीजन दिया है कि मैं क्यों रिजाइन करना चाह रहा हूँ। आप रिजाइन करेंगे गोपाल जी सुनिए, आप रिजाइन करेंगे तो फेसबुक पे लिखेंगे या अपने सीनियर को बताएंगे कि भाई मैं रिजाइन कर रहा हूँ। उन्होंने तो उनको अमित शाह जी को वो पत्र आया है, उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष के थ्रू अमित शाह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा। ठीक है, वो कर देती है रिजाइनेशन कर देती और ऐलान कर देती है, या उन्होंने चैनल को इंटरव्यू भी दिया उसमें रीजन बताया। हाँ। मेरी एक बात सुनिए, अगर ये कह रहे हैं हाँ। कि इस फेलियर, ये सारे फेलियर्स हैं जो भाजपा के लिए नुकसानदेह इश्यूज हैं। ठीक है, तो अगर फिर भाजपा को अगर ये मानना असीम वकार मेरे साथ है, ठीक है, पर बोलते ना ओके असीम वकार, असीम वकार भी मेरे साथ हैं। असीम वकार, वैसे उत्तर प्रदेश भी इस समय कुछ बड़े मामलों से जूझ रहा है और हम आज उस पर भी बात करेंगे, लेकिन असीम वकार उससे पहले बात यह है कि 2017 में यूपी में भी चुनाव है और गुजरात में भी चुनाव है, और 2017 चुनाव से पहले गुजरात जैसे बड़े स्टेट की चीफ मिनिस्टर का इस तरह से रिजाइन करना, आपको क्या लगता है बीजेपी के लिए गुजरात में एक सेटबैक हो सकता है या गुजरात से बाहर भी इसका मैसेज जाएगा? असीम वकार, देखिए आनंदीबेन पटेल जी का इस्तीफा जो है वो मेरी नजर में आनंदीबेन पटेल जी बलि का बकरा बनाई गई हैं। जिस तरह से गुजरात से निकलकर एक मैसेज बाहर जा रहा था पूरे हिंदुस्तान में कि मोदी जी की छवि बिल्कुल खत्म हो गई थी और कोई मोदी जी के पीछे नहीं जा रहा था, जिस तरह से पटेलों में आनंदीबेन पटेल और हार्दिक पटेल में कंपैरिजन के बाद हार्दिक पटेल बड़े नेता हो गए और आनंदी पटेल को नकार दिया जनता ने गुजरात की, और जिस तरह से दलितों में और अपर कास्ट जो हिंदू थे इनमें जिस तरह से फसाद नहीं, शुरू नहीं, दोनों बातें कैसे कह सकते हो? अपर कास्ट हिंदू ये तो बलि का बकरा अगर बनाने की बातें कह रहे हो आप, मुझे कर लेने दीजिए, मैं बहुत शांति से बैठा था। नहीं, अगर आप कह रहे हो बलि का बकरा बनाने, दिल की भड़ास निकाल लीजिएगा बलि का, मैंने कहा था आप अपनी भड़ास निकाल लीजिएगा मेरे ऊपर, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, अभी और आरोप लगाऊंगा आपके ऊपर। देखिए आप अपने चीफ मिनिस्टर को बचाइए, मोदी जी इतने दिन बुलंदशहर में क्या हो रहा है, इतने दिन तक दलितों को हिंदू बनाकर और बेवकूफ बनाकर उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़े रहे, और जिस तरह से आनंदीबेन पटेल के राज में उनकी हुकूमत में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अपर कास्ट लोगों ने दलितों के साथ अत्याचार किया, जगंतम अपराध उनके साथ किया, आपके प्रदेश में महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, क्या सुरक्षा नहीं है उन्हें किसी भी तरह, पटेल भी सड़कों पर है, हाईवे पे आपके प्रदेश में हाईवे पे बुलंदशहर में क्या घटनाएं हो रही है, और आपका सारे चुनाव डीआईजी और डीजी क्या कर रहे हैं, वो वहां पे पर्स था मिला, गोल्ड चेन थी उसको तक आप देख नहीं पाए, वो सीट भी भारतीय और आपको पूरे थाने के लोगों को सस्पेंड करना पड़ा। बुलंदशहर जाएंगे तो वहां की बहस हो जाएगी, उस पर ही बात कर लेंगे, गुजरात पे बात करते हैं, हाथ से निकले जा रहा है अब आप नहीं, तो ये अपने गिरेबान में देख नहीं रहे और हमें कह रहे हैं कि ये कर रहे हैं, लिखा क्यों है ये, बेवजह में नहीं लिखा है उन्होंने, एक भी राजनीति जल्दी पूरी कीजिए, आप असीम वकार जल्दी पूरी कीजिए, बहुत है आप पता नहीं कैसे, आप पॉलिटिकल आदमी है नॉन पॉलिटिकल आदमी है, असीम वकार पूरी कीजिए जल्दी, बात पूरी कीजिए जल्दी, जो पॉलिटिकल होते हैं वो सुनते भी हैं, आप तो सुनना ही पसंद नहीं करते,
इस्तीफा तो दिया है लेकिन फेसबुक पर आनंदीबेन पटेल से ये लिखवाया गया है कि पूरे हमें आपको ज्यादा पता है फेसबुक पर लिखवाया गया और बीजेपी का आरोप है कि एसपी को बीजेपी के बारे में ज्यादा पता है। ओके असीम वकार यू मेड योर पॉइंट। ओके असीम जी आपने अपनी बात कह दी। शासन में फेल हो गए। ठीक है शासन में फेल हो गए। गुजरात में बीजेपी का शासन फेल हो गया।